मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का अब दूसरा वीडियो जारी हुआ है। तिहाड़ जेल के सूत्रों से मिले ताजा सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन अपनी सेल में बढ़िया तरीके से खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ वह फल भी खाते नजर आ रहे हैं। उधर तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा है कि जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ा है, जबकि उनके वकील ने दावा किया था कि उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। दिल्ली के भाजपा नेताओं ने तिहाड़ जेल के अंदर फल और खाना खाते सत्येंद्र जैन का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ कहा है कि अदालत में गलत जानकारी दी जा रही है और सत्येंद्र जैन को जेल में फल दिया जा रहा है। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि खाना बाहर से मंगाया गया है और उसकी पैकेजिंग से ऐसा लग रहा है। वहीं वह केले व संतरे भी खाते नजर आ रहे हैं। इस पर भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। वीडियो पर बयान देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में वीआईपी सुविधा दी जा रही है, इसी के तहत इन्हें बढ़िया खाना भी दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना वीडियो पर प्रतिक्रिया में कह रहे हैं कि कमरे में मिली सुविधा को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्येंद्र जैन किसी रिजॉर्ट में हैं, उन्हें कमरे में एयर कंडीशन होने की भी आशंका जताई है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल में मसाज कराने के वीडियो को लेकर सामने आई सच्चाई ने दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को असहज कर दिया है। शनिवार को जैन के मसाज कराते वीडियो सामने आने पर भाजपा नेताओं ने आपको कटघरे में खड़ा करते हुए मामले की जांच के लिए LG VK सक्सेना को पत्र लिखा था।